महिला 3 साल के बेटे को चक्कर लगाने के लिए मारता है। बाद में पति को स्वीकार करता है क्योंकि एक महिला ने उसे 3 वर्षीय बेटे को छत से मार डाला, जिसने उसे बाद में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ोसी के साथ यौन संबंध रखने के बाद उसे छू लिया। महिला ज्योति राठौर ने अपने बच्चा पुत्र को मार डाला। डर लगकर कि वह अपने पति के धुंध सिंह को अपने पति का पालन का खुलासा करेंगे। एक पुलिस कांस्टेबल चीजों ने एक बार मोड़ लिया जब उसके बेटे को मारने के बाद ज्योति ने उसके बारे में बुरे सपने शुरू कर दिया, जिससे उसे अपने पति को स्वीकार करना पड़ा। ज्योति के पति देन सिंह ने भी उसे कबूल किया और पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क किया, जिसके आधार पर जांच की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि ज्योति के पास उसके पड़ोसी उदय इंदौलिया के साथ एक विवादास्पद संबंध था। घटना 28 अप्रैल को हुई जब धो सिंह ने अपनी प्लास्टिक की दुकान के उद्घाटन का आयोजन किया था। उन्होंने कई लोगों को इस घटना में आमंत्रित किया था, जिसमें उनके पड़ोसी उदय इंदौलिया शामिल थे। जबकि हर कोई व्यस्त था, ज्योति और उदय ने छत पर अंतरंग होने का समय लिया। ज्योति के बेटे ने अपनी माँ को छत पर भी पीछा किया, जहाँ उन्होंने एक समझौता स्थिति में उसे और उदय देखा। भयभीत ज्योति ने उसके 3 वर्षीय बेटे को छत से उसके चक्कर को छिपाने के लिए फेंक दिया। बच्चा को गंभीर सिर की चोट लगी थी और उस अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह अगले दिन मर गया, जहां तक वह 29 अप्रैल को हुई। शुरू में हर कोई मानता था कि लड़का छत से गलती से गिर गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही ज्योति ने अपने बेटे के बारे में बुरे सपने शुरू कर दिया। आखिरकार उसे अपने पति को कबूल करने के लिए प्रेरित किया। देश सिंह ने उसे अपनाया जाना और पुलिस से संपर्क किया। तदनुसार एक मामला दर्ज किया गया था और दोनों ज्योति और उसके प्रेमी उदय इंदौलिया को गिरफ्तार कर लिया गया।